अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ वेजिटेबल चीज़ ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। यस ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। कुछ आपको वेजिटेबल्स चाहिए जो भी आपके घर पर अवेलेबल हैं, आप वो सारी वेजिटेबल्स लें। चीज़ चाहिए आपको, आपको सॉल्ट, ब्लैक पेपर और स्पाइसेस में चाहिए है जी रेड चिली फ्लेक्स। सबसे पहले आप एक पैन लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके अपने वेजिटेबल्स, प्याज और जो आपके पास शिमला मिर्च है यानी कि कैप्सिकम, उनको ऐड करके आपने उनको थोड़ा सा सौते कर लेना है, क्योंकि ये दोनों वेजिटेबल्स हैं जिनका थोड़ा सा पानी निकलता है, तो ये सौते हुए होंगे तो इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। इसको लो मीडियम हाई फ्लेम पे आप जो है वो थोड़ा सा जो है ना सौते कर लें। उसके बाद इसमें मैं टमाटोज़ ऐड करूँगी। टमाटोज़ की कटिंग मैंने थोड़ी सी डिफरेंट किया है, क्योंकि ये चीज़ ऑमलेट में इसकी कटिंग इस तरह से प्यारी लगती है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप बारीक बारीक काटना चाहें तो आप वो भी काट सकते हैं। ज़्यादा इसको मैंने सौते नहीं किया, 1-2 मिनट के लिए इसको सौते किया, और इसको एक बाउल में आप निकाल लें अलहदे से सारे वेजिटेबल्स को। और उसके बाद हम इसमें अपने एग्स और बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं 2 ग्रीन चिलीज़ मैंने यहाँ पे ली थी वो ऐड करी हूँ, 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट वो बनती है, उनको बारीक बारीक कट किया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ जी ग्रीन ऑलिव्स। आप ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू ऐड मशरूम्स आप वो ऐड कर सकते हैं, स्पिनच ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 3 एग्स जो हैं वो ऐड किए, और स्पाइसी ऐड कर रही हूँ जो कि नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं, सारे घरों में मौजूद होते हैं। ब्लैक पेपर है, उसके अलावा आपके पास रेड चिली फ्लेक्स है और सॉल्ट है, वो आपने अपने जायके के मुताबिक ऐड करना है, और इस सारे मिक्सचर को जो है वो बीट कर लेना प्रॉपरली। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक कुकिंग टिप जो है उसको शेयर करूंगी। अगर आपको एग की थिकनेस चाहिए होती है कि आपका जो एग है वो थिक होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक तो ज़्यादा अंडे लेने, यानी कि 3 से 4 अंडों का आपको ऑमलेट बनाना पड़ेगा, और पैन की जो साइजिंग है ना वो आपकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा तकरीबन 9 to 10 inches पैन है, तो इससे कभी भी मेरे एग की जो थिकनेस है वो नहीं आएगी, क्योंकि 3 से 4 अंडों की थिकनेस इससे नहीं आती है। इसके लिए आपको ज़्यादा अंडों की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको 3 अंडों का या 4 अंडों का ऑमलेट बनाना है, तो आप 6 से 7 inches का जो है वो फ्राइंग पैन लें नॉनस्टिक, तो फिर आपका जो पैन में एग की जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी आएगी। ट्राई दिस टिप, अगर आपको पसंद आई तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी टिप काम की या नहीं की। अब जी मैंने इसको हल्का सा पैन को सौते किया था पहले, और उसको करने के बाद मैंने एक साइड को कुक कर लिया ऊपर, मैंने उसको स्टीम करने के लिए ताकि दूसरी साइड को बहुत ज़्यादा कुक ना करना पड़े, तो मैंने थोड़ी देर उसको जो है वो ढक के रख दिया था। और दूसरी साइड को चेंज करने के बाद मैं दोनों साइड से इसको करती हूँ। ज़्यादा मेनली जो होता है कि एक तरफ से अगर स्टीम दे दी जाए तो उसी पे चीज़ ऐड कर दी जाती है, बट मैं दोनों साइड से कुक करती हूँ क्योंकि मुझे रॉ एग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके बाद जी आपको क्या करना है, अपने चीज़ स्लाइसेस ऐड कर देने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास क्रश मोज़रेला या चैडर चीज़ है तो वो ऐड कर दें। थोड़ा सा इसको और स्टीम करें और लो फ्लेम एंड योर एग इज़ रेडी। टोस्ट के साथ या पराठे के साथ, किसी के भी साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये पसंद आया होगा, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें। उसके अलावा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।